अभिनेताओं के लिए एक साथ दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ना मुश्किल हो सकता है क्योंकि चुनाव आयोग ने इस प्रावधान को खत्म करने की सिफारिश की है। चुनाव आयोग ने केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेजे गए चुनाव सुधार के प्रस्तावों में यह अनुशंसा की है। इसके साथ ही आयोग ने यह भी कहा है कि अगर सरकार इस प्रावधान को बनाए ही रखना चाहती है तो उपचुनाव का खर्च उठाने की जिम्मेदारी सीट छोड़ने वाले उम्मीदवार पर डाली जाए। विधानसभा और विधान परिषद के उपचुनाव के मामले में राशि 5 लाख और लोकसभा उपचुनाव में राशि 10 लाख रुपए होनी चाहिए। सरकार इसे समय समय पर बढ़ा भी सकती है। आयोग ने कहा कि प्रत्याशी का सीट छोड़ना वोटरों से अन्याय के समान है। आपको बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग ने 2004 में भी इसकी सिफारिश भेजी थी लेकिन इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि 1996 में संसद में पारित हुए संशोधनों के अनुसार यह नियम बना दिया गया कि कोई भी उम्मीदवार एक साथ ज्यादा से ज्यादा 2 सीटों से चुनाव लड़ पाएगा। इससे पहले उम्मीदवार कितनी भी सीट से चुनाव लड़ सकता था। पीएम नरेंद्र मोदी, मुलायम सिंह यादव जैसे कई बड़े नाम हैं जिन्होंने 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा है लेकिन अब चुनाव आयोग इस प्रावधान को खत्म करना चाहता है। आयोग के इस फैसले से कहीं ना कहीं नेताओं का एक विकल्प छिन जाएगा। जाहिर है कि नेताओं के लिए खबर निराशाजनक है लेकिन अभी भी आखिरी निर्णय कानून मंत्रालय के हाथ में है। देखते रहिए डीबी लाइव।